हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़े है ना, और भारत में किस प्रकार से कौन कौन से कंपनी आया, हम लोगों ने इसके बारे में पिछले वीडियो में जाना। और आज हम लोग जानेंगे कि भारत में अंग्रेज भी आए है ना, तो भारत में अंग्रेज आए तो किसके लिए, तो ये भी एक व्यापार के पर्पज से इन्होंने अंग्रेज भारत आया था, तो व्यापार के पर्पज से। तो बोला जा रहा है कि अंग्रेज जो भारत में आए तो सर मिलेनहॉल पहला अंग्रेज था जो भारत में आया है ना, सर मिलेनहॉल पहला अंग्रेज था जो भारत में आया। बोला यह 1599 में भारत आया है ना। बोला कि कौन, सर मिलेनहॉल ने भारत कब आया, तो 1599 में भारत आया। बोला इसी वर्ष इंग्लैंड में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई है। चलिए जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट कंपनी नामक कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 1599 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो मिलेनहॉल था है ना। नेक्स्ट बोला 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी, यानी इंग्लैंड की रानी कौन, एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया है ना। यानी बोला जा रहा है कि एलिजाबेथ ने भारत पर 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार इसे प्राप्त था। सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है ना। कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा एक व्यापारिक संधि के लिए है ना। बोला क्या कि सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई। इसके बाद क्या कंपनी ने, यानी कौन से कंपनी ने, जो एलिजाबेथ जो थे वे सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। उस समय वहां का राजा जहांगीर थे और जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो को भेजा गया। तो किस लिए भेजा गया कि व्यापार से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए सर टॉमस रो को भेजा गया जहांगीर के दरबार। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की है ना। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक अन्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, परंतु 1702 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई है ना। बोला कि अंग्रेजों ने व्यापारिक करने के लिए 1698 ईस्वी में दूसरे एक अन्य और कंपनी की स्थापना की। बाद में क्या किया कि 1702 ईस्वी में दोनों कंपनियों को एक मिला दिया गया, और जब दोनों कंपनियों को एक मिला दिया गया तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था है ना। बोला कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस है ना। बोला कि जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, बोला किसके, ये तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया है ना। बोला कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था, और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में है ना। कैप्टन हॉकिंस जो थे जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गए है ना। बोला कि जहां कैप्टन हॉकिंस ने बादशाह से फारसी में बात की है ना, जहां कैप्टन हॉकिंस ने बादशाह से क्या की, तो फारसी में बात की, और जैसा ही बादशाह से वो फारसी में बात किया तो कैप्टन हॉकिंस बहुत प्रसन्न हो गए, और कैप्टन हॉकिंस प्रसन्न होने के कारण उन्हें 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान कर दी है ना। बोला कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
कि इंग्लिश था के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैप्टन हॉकिंस को। अब फिर से दूसरा क्वेश्चन कि इंग्लिश खा की उपाधि किसने दिया, तो इंग्लिश खा की उपाधि किसने दिया, तो इंग्लिश खा की उपाधि जहांगीर ने दिया था, है ना। बोला कि कैप्टन हॉकिंस किनके दरबार में गए थे, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए थे। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब गए थे, तो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार गया, है ना। बोला कि जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस जो थे वो फारसी में बात किए, और जैसे ही वो फारसी में बात किए तो बादशाह क्या हो गए, यानी जहांगीर वो खुश हो गए, और खुश होने के कारण उन्हें 400 का मानस एवं इंग्लिश खा की उपाधि प्रदान की। बोले भारत ने, ये नोट में जरा देखिए, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, है ना। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। बोले स्वेली होल के युद्ध के बाद, यानी स्वेली होल एक युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को भारत में कदम रखने की जगह मिली। जैसे ही स्वेली होल का युद्ध होता है तो अंग्रेज जो होते हैं विजय हो जाते हैं, और विजय होने के कारण वो भारत में अपने व्यापार करने के मनसा जो था उनका पूरी तरह साफ। सर विलियम नॉरिस ने अंग्रेज औरंगजेब के दरबार में यात्रा की थी। फ्रांसिस डे ने मद्रास की, गौरांड अंग्यार ने मुंबई की, तथा जॉब करनाल ने कलकत्ता की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की, है ना। यानी 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी कहां स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में। कब की थी, 1611 में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, है ना। जहांगीर जो थे एक 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर उन्होंने बताया कि अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की इजाजत दे दी, है ना। बोला है कि जहांगीर ने एक फरमान निकाला, फरमान दिया 1613 ईस्वी में, और उन्हें बोला कि सूरत में आप भी फैक्ट्री क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी खोलने की इजाजत दे दी। बोला सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कंपनी खोलने की क्या की, इजाजत दे दी। बोला पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, है ना। यानी पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611 में खोला। प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में, जबकि पश्चिम तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी की स्थापना किया। यानी बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने सबसे प्रथम व्यापारिक कंपनी 1611 में खोली, और दूसरी व्यापारिक कंपनी सूरत में 1613 ईस्वी में खोली। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने, यानी 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, यानी गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान दिया। बस सुनारा फरमान क्या था कि जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 5000 पैगंडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा, यानी गोलकुंडा के सुल्तान जो अंग्रेजों को एक सुनारा मौका दिया कि अगर जो आप हमें 500 रुपया पैगंडा वार्षिक कर देते हैं तो आप हमारे राज्य में, यानी आप हमारे बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं, है ना। इसके बदले आपको 500 पैगोंडा का कर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, यानी 1639 ईस्वी में अंग्रेज, उनका नाम था फ्रांसिस डे ने, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। यानी 1639 ईस्वी में अंग्रेज, और जिनका नाम है फ्रांसिस डे, चंद्रगिरी के राजा, यानी चंद्रगिरी के राजा से
मद्रास पट्टे पर लिया, यानी चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने मद्रास को क्या किया कि पट्टे पे लिया और वहां पे एक किला बंदी कोठी का निर्माण कराया, है ना। वहां पे क्या कराया, किला बंदी कोठी का निर्माण कराया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, है ना। बोला कि इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यह फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों की मुख्यालय बना, अंग्रेजों का क्या बना, मुख्यालय बना। गेराल्ड अंगियार 1669 ईस्वी से लेकर 1775 ईस्वी में, जो कि सूरत के प्रेसिडेंट एवं बंगाल का गवर्नर था, है ना। बोला गेराल्ड जो थे सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंगाल का क्या था, गवर्नर था। इन्होंने ही मुंबई शहर की स्थापना किया। आपसे पूछेगा कि मुंबई शहर की स्थापना किसने किया, तो गेराल्ड अंगियार ने। चलिए अब हम आते हैं कंपनी और स्थापना वर्ष, कौन सी कंपनी को कब स्थापना किया गया। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को 1498 ईस्वी में स्थापना किया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में स्थापना किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1602 ईस्वी में स्थापना किया गया और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1616 ईस्वी में स्थापना किया गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1731 ईस्वी में स्थापना किया गया। आप इसे सीरियल वाइज याद भी कर लें, है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में एक नंबर दो नंबर का आ ही जाता है। चलिए आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो आपके पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो तो आप उसे जरूर लगाएं, ताकि आपका एग्जाम भी उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना। और अगर जो आप इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर देखें, तभी आगे नेक्स्ट का जो सीरियल वाइज जो हमारा वीडियो है आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।